गाबा सर, गुड मॉर्निंग। सब चंगा सी? और पहला स्टॉक कौन सा? पहला स्टॉक रहेगा एग्रेसिव कॉल है, बॉटम्स अप अप्रोच। स्टॉक का नाम है LTIM। रीजन ये है कि करीब 6400 से जो हमने गिरावट देखी है, करीब 5000 आसपास से, करीब लग रहा है कि 4-5 दिन से इसमें गिरावट थमी हुई है और थोड़ा स्ट्रेच है ऑन द डाउन साइड, क्योंकि स्ट्रेच है तो एक अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, शायद एक अपमूव मिलना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए था, वो 5135 के आसपास मेरे ख्याल से मिल चुका इनिशियल ब्रेकआउट इंट्राडे में, और ट्रेड कर रहा है 5206 के आसपास। स्टॉप होना चाहिए 5160 का, यस करीब 50 रुपए का स्टॉक है, 40 रुपीज का स्टॉक है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 5350 के, तो एक अनस्ट्रेचिंग, एक बाउंस बैक, एक रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं, मीन रिवर्जन ट्रेड। LTIM माइंडट्री ये हो गई गाबा सर की पिक। आशीष भैती जी, गुड मॉर्निंग। खैर वो रील्स अच्छी थी, आज की ट्रेड क्या रहेगी? अनिल जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनिल जी, मेरी भी ट्रेड इसी ग्रुप से है, LTTS में खरीदारी की सलाह रहेगी। इसमें भी एक बेस फॉर्मेशन अच्छा बना हुआ है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है LTIM और LTTS का, हमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छा अपवर्ड रैली रिज्यूम हो सकता है। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ वीकली चार्ट और मंथली चार्ट पे काफी अच्छी बनी हुई है। तो 5200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 5370 और 5440 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। LTI माइंडट्री, LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दोनों आज के पहले टॉप कॉल्स हो गए। गाबा सर, वैसे आवाज में वही जोश लौट आया है, इसका मतलब तबियत एकदम ठीक हो रही है, अच्छा लग रहा है सुबह सुबह सुन के। सत्यदेव साहब, गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है HDFC बैंक पे। कल हमने इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखी थी, ओपन इंटरेस्ट घटा था करीबन 6% डाउन। अगर आप चार्ट भी देखें तो एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिखता है, और जो ब्रेकआउट है तो जो फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, दैट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और जो नेकलाइन थी वो करीबन 1430 के आसपास थी, और एक्जैक्टली 1420-1430 इसी लेवल से HDFC बैंक कल पलटा है। तो आज जो भी डिप मिले इसमें HDFC बैंक बाय करे, 1435 ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा, 1467 का क्लोज है, 1440-1450 ये डिप अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा। बट एनीवे, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं। इसका जो टारगेट दिख रहा है एज पर एज द चार्ट इज कंसर्न, पोजिशनल टारगेट रहेगा 1540 का, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो 1510 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। तो HDFC बैंक इज अ टॉप कॉल, HDFC बैंक इज अ टॉप कॉल। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, आज बालकेश इंडस्ट्रीज पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने कल 20 और 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, तो आई थिंक बॉटम बन गया है और अब यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो बालकेश इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी चाहिए, 2299 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 2450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश टेबल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी कॉल ऑप्शन पे ध्यान दे सकते हैं, 2340 वाला कॉल ऑप्शन जो 79 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी करिए, 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 130 रुपए के टारगेट आपको 2340 के कॉल ऑप्शन में सेट करने हैं बालकेश इंडस्ट्रीज के। बिल्कुल ठीक, BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आज मानस का है प्रेफर्ड पिक। सावन साहब, गुड मॉर्निंग। सावन साहब, आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे अगर हम कल की एक मूव देखें तो इंडस टावर में एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद फर्स्ट डिप टू 20 मूविंग एवरेज हुआ है, और लो पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो पे ऑलमोस्ट नियर टू डे हाई हम कल क्लोज हुए, 247 की क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से यहाँ पे 240 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए, 240, और जो टारगेट नजर आ रहे हैं वो कम से कम जो स्विंग हाई बना था 270 वो हम फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, बट ओवरऑल जो पैटर्न है हायर टॉप्स हायर बॉटम का है, तो मुझे लग रहा है हायर टॉप बनना चाहिए, बट फिलहाल 270 का टारगेट और 240 का स्टॉप लॉस मान के चले। ओके, इंडस टावर 240 का स्टॉप और 270 का टारगेट लेकर चले, यहाँ पर योगी प्रशांत जी के पिक। आशीष चतुर्मोता भी आज हमारे साथ। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बताइए आपको जेम में क्या स्टॉक अच्छा लग रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। मेरे हिसाब से हमें जो अभी फोकस करना है वो थोड़ा सेफ्टी ऑफ कैपिटल प्रोटेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि स्मॉल मिड कैप में एक अच्छा करेक्शन हमें देखने को नजर आ रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अब लार्ज कैप स्टॉक्स की काफी बेहतर नजर आ रही है। तो इस पूरे स्पेस में जो हमें पसंद आ रहा है वो लार्ज कैप में HDFC बैंक, रिलायंस, LNT और टाइटन जैसे स्टॉक्स हैं, जहां मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली अब आपको सेफ्टी बहुत ही अच्छी मिलेगी। और अगर से इनमें से भी एक स्टॉक मुझे चूज करना हो तो मैं समझता हूँ HDFC बैंक के साथ हम जाना चाहेंगे। बहुत ही लंबे समय के बाद एक जो
अंडर परफॉर्मेंस है उसमें आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कैचअप रैली आपको एच डी एफ सी बैंक में मिलेगी, और मेरे हिसाब से जो बेस बना है ये अगर से सस्टेन रहता है तो ये अपसाइड एटलीस्ट 1600 रुपए तक मुझे आती हुई एच डी एफ सी बैंक के स्टॉक में नजर आती है। इसके ज्यादा नंबर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये कंपनी एक तो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, साउंड है, बस एक ये था कि मार्केट का फ्लो यहाँ पर पे मिसिंग था, और अब मुझे लगता है कि जैसी मार्केट की एक सिचुएशन बनते जा रही है उसके अंदर में कहीं ना कहीं एच डी एफ सी बैंक जैसे स्टॉक के अंदर में बहुत ही अच्छा फ्लो ऑफ फंड्स आ सकता है। और मेरे हिसाब से टेक्निकली भी आप देखेंगे तो 1380-1400 पे एक अच्छा बेस ये स्टॉक बना चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एचडीएफसी बैंक के लिए। और मान लीजिए यहाँ से मार्केट में कोई गिरावट भी आती है तो उसमें भी एक रिलेटिव सेफ्टी हमें एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक के अंदर देखने को नजर आएगी। भाई साहब टेक्निकली आज के लिए भी और पोजिशनली भी एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट लड़ाप रखें, ये दिग्गज ने कल निफ्टी की मदद कर दी थी और शायद यहां से अभी और मदद करने वाला है। ये हो गया आज का टेक्नो फंडा आइडिया। अब धर्मेश कान साहब के पास चला जाए और जाना जाए आज का बेस्ट फंडामेंटल पिक कौन सा है। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, धर्मेश जी आज का पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज, सारे व्यूअर्स और पैनलिस्ट को भी। देखिए अनुज, जिस तरीके से मार्केट में लार्ज कैप की तरफ थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एटलीस्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई, आशीष ने भी थोड़ी पहले यही बात कही थी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कोल इंडिया एक बेहतर पिक है। थोड़ा ऊपर से करेक्शन हो रखा है, 440-450 के आसपास काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। और कोल इंडिया की बात करें तो इन्होंने प्रोडक्शन जो पिछले साल का था वो तो सरपास कर ही गए, और आने वाले दिनों में इसमें प्रोडक्शन विथ एफिशिएंसी बढ़ते हुए नजर आएगी। पावर सेक्टर में 80 ऑलमोस्ट गीगावाट का जो एक्सपेंशन आ रहा थर्मल में वो काफ़ी 30% इंक्रीज रहेगा प्रेजेंट कैपेसिटी पे आने वाले 4-5 सालों में। और सीमेंट सेक्टर में भी काफी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वहां भी कोल की जरूरत पड़ती है। सो प्रोडक्शन वाइज तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इंटरनेशनल प्राइसेस कोल के जरूर थोड़े से गिरे हुए हैं, बट मुझे लगता है कि करंट भाव पर वो भी संभलते हुए नजर आएंगे। और फंडामेंटल से स्ट्रांग है, 56 का आरओई है, अभी भी आपको 10 के नीचे पीई मल्टीपल पर मिल रहा है, डिविडेंड 5% का है जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी स्ट्रांग देता है, और 30-25% के आसपास से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैगर रही है। तो मौजूदा भाव पर बाई करें, थोड़ा गिरावट आए तो भी वहां पर भी बाई करें, 420 तक के रेंज तक गिरता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई करने के लिए। और अपसाइड टारगेट जो नियर टर्म मुझे नजर आता है 500 का, और साल भर और रुकने को अगर आप तैयार हो तो 550 से 570 के आसपास का कोल इंडिया पर प्राइस टारगेट निकल के आता है। भाई साहब फंडामेंटली जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। क्विकली आज के सारे टॉप कॉल्स को रैप कर दिया जाए। गाबा सर ने LTI माइंडट्री के साथ शुरुआत करी, खरीदारी करने का कॉल, 5160 का स्टॉप है, 5350 का टारगेट। वैती साहब ने इसी ग्रुप की दूसरी आईटी फर्म उठा ली है, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज या LTTS, खरीदिए, 5200 का स्टॉप है, 5370 और उसके बाद 5440 तक के टारगेट। हैवीवेट HDFC बैंक के साथ सतपुते साहब जा रहे हैं। आज के लिए स्विंग के टारगेट्स 1510, लेकिन लग रहा है 1540 तक जाने की तैयारी कर रहा है, 1435 पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करिए। मानस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के साथ जा, खरीदारी करनी है 2299 के स्टॉप के साथ 2450 के टारगेट्स, और चाहे तो 2340 का कॉल खरीद सकते हैं। सावन साहब इंडस टावर्स खरीदने का मन बना रहे हैं, 240 का स्टॉप, 270 के लक्ष्य। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं भाई थोड़ा सा सेफ्टी पे फोकस करें, कैपिटल प्रोटेक्शन पे फोकस होगा। निफ्टी को चुनिंदा स्टॉक्स उन्होंने मेंशन भी करे जो बहुत पसंद आ रहे हैं, और उसमें सबसे प्रेफर्ड एचडीएफसी बैंक ही है, तो आज के लिए भी एचडीएफसी बैंक है और पोजिशन भी एचडीएफसी बैंक बना हुआ है। 1600 तक के इवेंचुअल टारगेट लग रहे हैं अब इस अपसाइड के। और धर्मेश कान साहब कह रहे हैं फंडामेंटली एक और अच्छा स्टॉक है आपके लिए, कोल इंडिया, रिसेंटली हाई से करेक्ट हुआ हुआ है लेकिन ये जाएगा इवेंचुअली 500 और 570 तक, तो इन लेवल्स पे गिरावट में दरअसल एक्यूमुलेट करने वाला ये काउंट।